हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा इस समय हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में। क्रैश कोर्स में बेटा ये चैप्टर 14 आपका है और इस चैप्टर का एक पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट है जहाँ पर हम एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में, डार्विन के कॉन्सेप्ट के बारे में, लैमार के कॉन्सेप्ट के बारे में, म्यूटेशन थ्योरी के बारे में, हार्डी बेनबर प्रिंसिपल के बारे में, प्लांट एनिमल के एवोल्यूशन के बारे में और ह्यूमन के एवोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एवोल्यूशन पार्ट टू। आज का बेटा हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसको समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि डार्विन अपनी जर्नी के दौरान जो उन्होंने सी वॉयज की थी उसके द्वारा ये गैलापागोस आइलैंड गए और गैलापागोस आइलैंड पे जाने के बाद उन्होंने जो क्रिएचर है उसकी अमेजिंग डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया। खास तौर से वहां पर एक जो स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी काली चिड़िया थी जिसे बाद में डार्विन फिंच के नाम से जाना गया, उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। डार्विन ने यह भी रियलाइज किया, ये पता लगाया कि उस आइलैंड के ऊपर यानी गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो डार्विन फिंचेज हैं इसकी कई सारी वेराइटीज हैं और सारी वेराइटीज उसी आइलैंड पर ही डेवलप हुई हैं, यानी ऑल द वेराइटीज ही कंजेक्टेड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। डार्विन ने पता लगाया कि जो ओरिजिनल डार्विन फिंचेज थे उनमें सीट ईटिंग हैबिट पाई जाती थी और इनसे अलग अलग तरह की डार्विन फिंचेस का विकास हुआ जिनमें जो बीक का शेप था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक फिगर भी आपको दिया गया जिस फिगर में आपको ये दिखाया गया है वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। आप अलग अलग तरह की डार्विन फिंचेस को देख सकते हैं, इनके जो बीक का शेप है ये एक दूसरे से अलग है और बीक का शेप चेंज होने की वजह से जो ओरिजिनल सीड ईटिंग हैबिट थी उससे चेंज होके अलग अलग तरह की डार्विन फिंचेस का विकास हुआ। जैसे कुछ डार्विन फिंचेस बीक का शेप चेंज होने की वजह से इंसेक्टिवोरस हो गए, इंसेक्ट को खाने लगे और कुछ वेजिटेरियन फिंचेस हो गए यानी प्लांट को उन्होंने खाना शुरू कर दिया सीड की जगह पर। अब एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है? अगर किसी एक पॉइंट से, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर किसी एक पॉइंट से हम स्टार्ट करें और एक पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद कई तरह की जातियों का अगर विकास हो जाए एक ही स्पीसीज से और ये अलग अलग तरह की जो स्पीसीज हैं ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में विकसित हों और फिर ये रेडिएट होके अदर अदर हैबिटाट में चली जाए तो इसी को एडॉप्टिव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। तो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, एडॉप्टिव रेडिएशन में जैसे एक स्पीसीज है और इस एक स्पीसीज से अगर एक ही जगह पर अलग अलग तरह की स्पीसीज का विकास हो जाए तो इसी को डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है, यानी एक स्पीसीज से अलग अलग तरह की स्पीसीज का विकास ही एडॉप्टिव रेडिएशन कहलाता है। अब डार्विन फिंचेस एडॉप्टिव रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एडॉप्टिव रेडिएशन का। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल भी एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है क्योंकि अगर आप मार्शोपियल की बेटा बात करते हैं तो जितने भी मार्शोपियल हैं, बहुत सारे मार्शोपियल हैं और ये सब मार्शोपियल एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, सुगर ग्लाइडर, मार्शोपियल मोल, है ना, तो ये सब अलग अलग तरह के यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मार्शोपियल हैं और ये सब मार्शोपियल दिखने में तो एक दूसरे से अलग अलग हैं लेकिन ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए, इनका एंसेस्टर कॉमन है, ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं, इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक। और बेटा यही तो मैंने आपको बताया कि अगर एक कॉमन एंसेस्टर से कई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का विकास हो तो इसी को हम एडॉप्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं, लेकिन सबका इवोल्यूशन एक ही हैबिटाट में हुआ यानी ऑस्ट्रेलिया में ही इन सबका इवोल्यूशन हुआ। अब तो एक स्पीसीज से अगर एक ही एरिया में कई सारी नई जातियों का विकास हो तो इसको हम एडॉप्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब अगर
आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन हो तो इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अगर एक से ज्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन हो एक ही जगह पर तो इसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखें, प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडॉप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वैरायटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर टू करेस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, जैसे प्लेसेंटल उल्फ एंड तस्मेनियन उल्फ मार्सुपियल। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आंसर करना है। बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एक तरफ दिया, एक तरफ प्लेसेंटल मैमल दिया। अब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में एग्जाम्पल है मार्सुपियल मोल और प्लेसेंटल में मोल हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मोल और मार्सुपियल मोल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि दोनों के एंसेस्टर अलग हैं, दोनों की ओरिजिन अलग है, तो दोनों की ओरिजिन अलग है लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज हैं, दोनों मोल हैं क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज हैं, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। इसी तरह से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए एंट ईटर जो कि एक प्लेसेंटल मैमल है, और नोम्बैट अगर पूछा जाए जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर बेटा आपसे पूछा जाता है जैसे लीमर और स्पॉटेड कसकस के बारे में पूछा जाए, आपसे कंपेयर करने को कहा जाए, तो आप कहेंगे ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। इसी तरह आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाए जैसे फ्लाइंग स्क्वायरल और फ्लाइंग फेलेंजर पूछा जाए, तो आप कहेंगे दोनों एडॉप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उल्फ और तस्मेनियन उल्फ पूछा जाए तो ये एडॉप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लाइंग फेलेंजर और तस्मेनियन टाइगर कैट ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे ये एडॉप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। बेटा ध्यान बस ये रखना है कि जब आपको एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको मार्सुपियल मोल और नोम्बैट दिया है एग्जाम में, तो चूंकि दोनों ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं और हर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एंसेस्टर एक ही है, तो आप इसे एडॉप्टिव रेडिएशन कहेंगे। लेकिन जब आपको प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में कंपेयर कराया जाए तो इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाएगा। इस बात का थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। बेटा तीन चीजें आपको याद रखनी एडॉप्टिव रेडिएशन में फिलहाल। एक तो डार्विन फिंचेस एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, और तीसरा प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। चौथा आप याद करना चाहें तो जायंट टॉर्टोइस भी याद कर सकते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन के लिए। अगला टॉपिक हमारा है दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल सेलेक्शन के बारे में कुछ बातें हम करेंगे, और बेटा लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी कौन सी है, नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी, तो नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी का जो एसेंस है या डार्विन की थ्योरी का जो एसेंस है एवोल्यूशन के लिए, दैट इज नेचुरल सेलेक्शन। एसेंस का मतलब निचोड़ या सार, तो डार्विन की जो पूरी थ्योरी है एवोल्यूशन के लिए उसका निचोड़ है नेचुरल सेलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। देखिए बेटा इस टॉपिक में आपको हर चीज नहीं याद करनी, जितनी बातें मैं आपको टिक कर रहा हूं उतनी बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी। ये डार्विन की थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट हैं, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। एसेंस क्या है डार्विन थ्योरी का, नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी तो आप कहेंगे ब्रांचिंग डिसेंट एंड द नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन के पहले फ्रेंच नेचुरलिस्ट यानी लैमार्क ने इवोल्यूशन के बारे में बताया। बेटा इवोल्यूशन की सबसे पहली थ्योरी लैमार्क के द्वारा दी गई थी, लेकिन लैमार्क ने जो थ्योरी बताई थी उसमें उन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है उसका कारण है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा जिन ऑर्गन का ऑर्गेनिम ज्यादा यूज करेगा वो विकसित होते चले जाएंगे, और जिन ऑर्गन का यूज कम होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या फिर वेस्टिजियल हो जाएंगे। इन्होंने लैमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल दिया और इन्होंने बताया कि जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हो गई। इन्होंने कहा कि जिराफ ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खाने की कोशिश करने की वजह से इसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, और ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में पास हो गया, और ये जो कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर है और एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में गया, और इस तरीके से जिराफ धीरे धीरे समय के साथ साथ लंबी गर्दन वाले हो गए। बेटा आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे लंबी गर्दन जिराफ की है, तो यहाँ पर
जो लैमार्क है इन्होंने कहा कि जिराफ ऊंची पेड़ की पत्तियों को खाने की कोशिश करने में बार बार गर्दन को उचकाते थे और इस तरीके से धीरे धीरे इनकी गर्दन लंबी होती चली गई। लेकिन आज कोई इस कहानी पे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं ये अगली जनरेशन में पास नहीं होते हैं। अगली जनरेशन में केवल वही कैरेक्टर जाते हैं जो जर्म सेल को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा इस तरह से जो लैमार्क की थ्योरी है ये इस चीज को सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पाई। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो डार्विन थे, डार्विन इन्फ्लुएंस थे दो लोगों से। एक तो थॉमस माल्थस से इन्फ्लुएंस थे, माल्थस ने पॉपुलेशन पे काम किया था, एसे ऑन पॉपुलेशन इन्होंने लिखा था जिससे डार्विन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। दूसरा ये चार्ल्स लिल नाम के साइंटिस्ट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे कि डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस बाई द माल्थस एंड चार्ल्स लिल। चार्ल्स लिल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिए थे और डार्विन की अगर हम बात करें तो माल्थस से इन्फ्लुएंस थे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम के एसे के द्वारा। चलिए उठा अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। अब यहां पर अगर हम बेटा मेंडल की बात करें तो मेंडल ने फैक्टर के बारे में हमें बताया था जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी में फर्स्ट डिकेड यानी सन 1901 की अगर हम एक्चुअली बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ह्यूगो डेवरीज। ह्यूगो डेवरीज ने इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक प्लांट है इवनिंग प्रिमरोज, और इसके बाद इन्होंने म्यूटेशन का एक आइडिया हमें दिया। अब म्यूटेशन क्या है? लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन। ऐसे बेटा म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। बेटा ह्यूगो डिवरीज ये मानते थे कि जो म्यूटेशन होता है ये इवोल्यूशन कॉज करता है, जबकि माइनर वेरिएशन जिनके बारे में डार्विन ने कहा था उनसे म्यूटेशन, उनसे इवोल्यूशन नहीं होता है। यानी जो डार्विन थे उन्होंने कहा कि वेरिएशन जो होती हैं, जो हेरिटेबल इनहेरिटेबल वेरिएशन होती है उनसे इवोल्यूशन होता है, जबकि डेवरीज ने कहा कि म्यूटेशन से वेरिएशन होता है। म्यूटेशन की अगर बात करें तो म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, जबकि अगर हम डार्विन की वेरिएशन की बात करें तो ये स्मॉल और डायरेक्शनल होती हैं। और बेटा आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब डार्विन के लिए जो इवोल्यूशन प्रोसेस है ये ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, लेकिन डेवरीज के हिसाब से बात करें तो डेवरीज ये मानते थे कि म्यूटेशन से नई जातियां बनती, स्पीसिएशन का मतलब होता है नई जातियों का विकास, और इसलिए उन्होंने इसे साल्टेशन का नाम दिया। साल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन का नाम दिया गया। और बाद में जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स अभी हम पढ़ेंगे हार्डी बिन पर प्रिंसिपल, तो वहां से ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि इवोल्यूशन का एक्चुअल कारण क्या है। चलिए बेटा अगला टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्डी बिन पर प्रिंसिपल। हार्डी बिन पर प्रिंसिपल की बात करें तो इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर काफी रिसर्च किया और इन्होंने कहा कि किसी भी जीन का जो एलील होता है उस एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका पता लगाया जा सकता है। बेटा नॉर्मली आप जानते हैं कि एक जो जीन होता है उसके दो एलील नॉर्मली होते हैं अगर मल्टीपल एलील का केस नहीं है तो किसी भी एलील के किसी एक लोकस या जीन पे पाए जाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसका पता लगाया जा सकता है। और हार्डी बिनबर्ग ने बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है पाए जाने की जो संभावना होती है ये फिक्स रहती है जनरेशन टू जनरेशन, यानी सेम रहती है फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट रहती है। और हार्डी बिनबर्ग प्रिंसिपल में इससे अल्जेब्रिक इक्वेशन के द्वारा या बाइनोमियल एक्सप्रेशन के द्वारा बताया गया। हार्डी बिनबर्ग प्रिंसिपल में बेटा ये बताया गया कि जो एलील फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये पॉपुलेशन में स्टेबल होती हैं और कांस्टेंट होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने पर एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक जीन पूल के बारे में बताया। जीन पूल क्या है ये आपको याद करना है बेटा, जीन पूल क्या है? दैट इज टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन ए पॉपुलेशन।
किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं और उनके सभी एलील को मिला के हम जीन पूल कहते हैं, और जीन पूल किसी भी पॉपुलेशन में लगातार कांस्टेंट बना रहता है। जीन पूल में टोटल जीन और उनके एलील का कांस्टेंट रहना जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या है, सभी जीन और उनके एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती, इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। अब जितनी भी एलील फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका जो सम होता है वो एक के बराबर होता है, और अगर हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं बेटा, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को हम यहाँ पर मेजर किस तरीके से करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को हम पी और क्यू लेटर के द्वारा नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो एलील ए है, कैपिटल ए, जो डोमिनेंट एलील है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर रिसेसिव एलील है स्मॉल ए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी बेटा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एलील होते हैं, जैसे एक जीन है उसके दो एलील हैं यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ए एलील की फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, स्मॉल पी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्यू हो जाएगी। तो बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, दीज आर द एलील्स, ये एलील्स हैं, और पी और की क्यों है, ये फ्रीक्वेंसी है। बेटा ये अच्छी तरीके से आप समझ लोगे तो बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगर बेटा हम यहाँ पर कैपिटल ए की बात करें, जैसे आपने पढ़ा था मेंडल के क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के बारे में, एकदम वही कहानी बेटा यहाँ पर है। अगर हम कैपिटल टी की जगह यहाँ पर कैपिटल ए ले लें, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी है, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर हो जाएगी, इस बात पे आप ध्यान दोगे ठीक। फिर दूसरी बात आप ऐसे समझिए, जो स्मॉल ए स्मॉल ए है ना, जो स्मॉल ए स्मॉल टी की जगह पर आप रख सकते हो, बेटा स्मॉल ए कहा जाए या स्मॉल टी कहा जाए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्यू स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू है, तो स्मॉल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बेटा बात करें, वैसे कैपिटल ए स्मॉल ए होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी टू पी क्यू हो जाएगी, और इस तरीके से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। अब बेटा यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे पी स्क्वायर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है, टू पी क्यू कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है, और क्यू स्क्वायर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। बट आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर होती है, होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर होती है, और हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी टू पी क्यू होती है, क्लियर। और ये जो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है पी प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर। अब बेटा ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, यानी हमेशा पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एक के बराबर आनी चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पी प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर की वैल्यू वन आनी चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो पी प्लस क्यू की वैल्यू हमेशा वन के बराबर आनी चाहिए। लेकिन अगर अगर कभी भी हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करें और जो फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर रहे हैं अगर उनकी वैल्यू वन नहीं आ रही, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कोई वैल्यू अलग आ रही है, तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इवोल्यूशन के बारे में बताता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रहेगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। यानी अगर डिस्टरबेंस हो रहा है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम में, तो इसी को हम इवोल्यूशन के नाम से जानेंगे। यानी इवोल्यूशन का कारण क्या है, अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज होगा या एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगा पॉपुलेशन में, तो इसी को हम इवोल्यूशन कहेंगे। अब सवाल ये है कि हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम को कौन चेंज कर सकता है, तो हमारे पास पांच फैक्टर बेटा है जो हमें याद करने हैं। पांच फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम को। तो पांच फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर बेटा यहाँ पर है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन है।
ये जो पांच फैक्टर हैं, ये हार्डी बिनबर इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा, अगर हम जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो की बात करते हैं, तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो में क्या होता है कि पॉपुलेशन का एक हिस्सा माइग्रेट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और इसकी वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो दोनों जगह पर चेंज होती है। ओरिजिनल और न्यू पॉपुलेशन दोनों की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। मान लीजिए लखनऊ में 100 लोग रहते हैं, कानपुर में 100 लोग रहते हैं। अब कानपुर से 20 लोग लखनऊ में आ गए, तो इससे कानपुर में 80 लोग बचे और लखनऊ में 120 लोग हो गए, तो दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है उनमें चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ बेटा, इस माइग्रेशन की वजह से न्यू जीन और एलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन। लखनऊ में एलील एड हुई है एंड दीज आर लॉस फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, और कानपुर से ये एलील कम हो गए। तो अगर एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट करते हैं, इसी को जीन माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बेटा जीन फ्लो के बारे में। अगर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम कई बार होता है, तो इसी को जीन फ्लो कहते हैं। और अगर जीन माइग्रेशन बाई चांस किसी हादसे की वजह से होता है, तो इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर जीन माइग्रेशन बाई चांस होता है तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, और अगर जीन माइग्रेशन कई बार होता है तो इसी को जीन फ्लो के नाम से जाना जाता है। अब बेटा यहाँ पर एक टर्म आपको समझना है फाउंडर इफेक्ट के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि नए पॉपुलेशन की अगर बात करें, जैसे लखनऊ की बात करें, तो नए पॉपुलेशन में जो एलील में चेंज हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, इसकी वजह से जो इंडिविजुअल कानपुर से लखनऊ गए थे उससे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी कानपुर वाली, उसे फाउंडर कहा जाता है, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यानी फाउंडर इफेक्ट के द्वारा नई पॉपुलेशन में एक नई जाति का फॉर्मेशन होता है। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसे फाउंडर्स कहते हैं, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कैसे इवोल्यूशन होता है। तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। स्टेबलाइजेशन हो सकता है, डायरेक्शनल चेंज हो सकता है, और डिसरप्शन हो सकता है। अब तीनों का मतलब समझते हैं। देखिए, स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पर ज़्यादा इंडिविजुअल मीडियम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, वो पेरिफेरल वैल्यू को नहीं एक्वायर करते हैं। डायरेक्शनल चेंज की बेटा बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा कोई एक पेरिफेरल वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। और डिसरप्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है दोनों तरफ, और मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ दिया जाता है। बेटा अब इस बात को थोड़ा सा हम फिगर में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिगर में एनसीईआरटी ने आपको बताया है, और ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस फिगर को ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर आपको ओरिजिनल पॉपुलेशन दिखाई गई। पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन देखिए, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में ये जो पीक आपको दिखाई गई कर्व की बेटा, इस पीक को अगर आप देखोगे, तो ये पीक मीडियम साइज के इंडिविजुअल को बताती है, और इस पीक के दोनों तरफ, ये पेरिफेरल पे अगर देखेंगे, तो पेरिफेरी पे आपको स्मॉल साइज के और लार्ज साइज के इंडिविजुअल नजर आएंगे, जबकि मीडियम साइज के इंडिविजुअल अभी देखिए तो सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो एरिया मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखाया, यहाँ पर ये है मीडियम साइज के इंडिविजुअल, और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, जैसे ये वाला जो एरिया है ये स्मॉल साइज को बताता है, और ये वाला लार्ज साइज को बताता। अब देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से पीक गेट हायर एंड नैरोवर। पीक के हाई होने की वजह से और नैरो होने की वजह से क्या होगा, आप देखिए जरा क्या चेंज यहाँ पर हो रहा है। चेंज ये हो रहा है बेटा यहाँ पर कि ज्यादातर जो इंडिविजुअल हैं वो पहले ही मीडियम थे, और मीडियम की पॉपुलेशन अब और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज करेगी। दैट इज नेम्ड एज स्टेबिलाइजेशन बेटा, इसी को स्टेबिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये स्टेबिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल पहले से ज्यादा थे उन्हीं को नेचर ने सेलेक्ट किया है। दूसरी कंडीशन बेटा क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर
दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, यहाँ पर पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, यानी पहले जो मीडियम साइज के इंडिविजुअल थे अब इनकी जगह पर आप देखिए जो पीक की शिफ्टिंग है ये आपको किधर राइट साइड में दिखाई गई है, और राइट साइड में हमने क्या माना है लार्ज साइज की पॉपुलेशन को। तो बेटा ये डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज में मेन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा किसी एक तरफ राइट या लेफ्ट की तरफ पॉपुलेशन की शिफ्टिंग हो जाती है, दैट इज डायरेक्शनल चेंज। और तीसरा केस यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के बाद नेचर ने मीडियम जो साइज की पॉपुलेशन थी वो उसको छोड़ दिया और दोनों तरफ स्मॉल और लार्ज साइज की पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया, दो पीक बन गई, और दो पीक बन गई दैट इज नेम्ड एज डिसरप्शन। तो बेटा आप आसानी से इन फिगर को पहचान सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके का आप यूज करेंगे। अगर पीक गेट हायर एंड नैरोवर तो स्टेबिलाइजेशन, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन डायरेक्शनल चेंज, और अगर दो पीक बन रही दैट इज डिसरप्शन। तो फिगर भी आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि बेटा शाम को हम जब लाइव क्लास करेंगे और 11 बजे मिंटी क्विज करेंगे तो उसके लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों इसे। चलिए बेटा देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहली अगर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करें तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं 2000 मिलियन ईयर एगो माया कहते हैं, या 2 बिलियन भी आप इसको कह सकते हैं बेटा 2 बिलियन ईयर एगो, या फिर आप कह सकते हैं 2000 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पर सबसे पहली सेलुलर फॉर्म लाइफ की अपीयर हुई, और आपको पहले बताया गया था नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर एगो इस धरती पर अपीयर हुई। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट थे जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल जैसे आरएनए प्रोटीन, इनसे मेम्ब्रेनस एनवेलप या सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ सेल ऐसी थी जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करती थी, जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता था, और रिएक्शन एकदम उसी तरह सी थी जैसी आज के समय में हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। बेटा जो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में होती है उसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और वाटर के स्प्लिटिंग होने की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऑक्सीजन के रिलीज होने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया यहाँ पर। और इन सब काम में सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है, कई सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस यानी अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। धीरे धीरे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में चेंज होते गए, और अगर हम आज से करीब 500 मिलियन साल पहले की बात करें 500 माया, तो इनवर्टिब्रेट अपीयर हुए। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इनवर्टिब्रेट थे बेटा वो पोरीफेरंस थे यानी स्पॉन्जेस थे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जॉलेस फिश के बारे में तो जॉलेस फिश अपीयर हुई 350 माया में। जॉलेस फिश की बात करें साइक्लोस्टोमेटा इन्हें कहा जाता है, और ये पहले वर्टिब्रेट थे जो 350 माया में अपीयर हुई, यानी आज से करीब 35 करोड़ साल पहले इनका एवोल्यूशन हुआ। अब बात करते हैं सीवीड के बारे में। सीवीड जैसे ब्राउन एल्गी की बात करें और कुछ प्लांट 320 मिलियन साल पहले यानी आज से 32 करोड़ साल पहले आए, और यहाँ पर यह बात बहुत जरूरी है जानना, एनसीईआरटी कह रहा कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट। देखिए जितनी भी लाइफ थे सब पानी के अंदर आई, लेकिन पहले ऑर्गेनिज्म जो पानी से निकल के जमीन पर मिट्टी में रहने के लिए आए वो प्लांट थे, और जब एनिमल पानी से निकल के रहने के लिए आए जमीन पर तो उस समय प्लांट पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे, दे वर वाइड स्प्रेड, प्लांट फैल चुके थे लैंड के ऊपर व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। और पहले प्लांट कौन से आए आप जानते हैं, ब्रायोफाइट पहले प्लांट थे जो पानी से निकल के स्थल पे रहने के लिए आए, लैंड पे रहने के लिए आए। अगला पॉइंट बेटा यहाँ पर जो आपको बताया गया उसमें कहा गया फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, दिस वॉज अबाउट 350 माया। आज से 35 करोड़ साल पहले कुछ मछलियां जिनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिन पाए जाते थे ये पानी से निकल के स्थल पर रहने के लिए आई, लेकिन कुछ समय के बाद वापस पानी में चली गई। 1938 की अगर हम बात करें 1938 में एक मछली को पकड़ा गया साउथ अफ्रीका में, और
इसे सीलोकैंथ के नाम से जाना जाता है। 1938 के पहले ये माना जाता था कि ये मछली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन 1938 में कुछ मछुआरों के द्वारा इस मछली को पकड़ा गया। इन एनिमल को लोब फिन्स का नाम दिया जाता है और ये माना जाता है कि इन्हीं लोब फिन्स से या सीलोकैंथ से, या इन्हें लोब फिश कहा जाता है, इन्हीं से पहले एम्फीबियन का एवोल्यूशन हुआ। यानी जो सीलोकैंथ नाम की फिश है, इन्हीं से फर्स्ट एम्फीबियन का एवोल्यूशन हुआ। और बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि एम्फीबियन रह सकते हैं लैंड और वाटर दोनों ही जगह पर। अब पहले जो एम्फीबियन थे उनका कोई भी स्पेसिमेन हमारे पास नहीं, कोई भी उनका नमूना हमारे पास सुरक्षित नहीं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो सबसे पहले एम्फीबियंस थे वो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सेलेमेंडर के। यानी आज के समय में जो फ्रॉग और सेलेमेंडर हैं, इन्हीं के पूर्वज थे जिनका विकास सीलोकैंथ से हुआ था। अब एम्फीबियन से रेप्टाइल का विकास हुआ और एक नया चेंज यहाँ पर आया। रेप्टाइल में थिक सेल्ड एग होते हैं, थिक सेल्ड एग यानी इनके अंडों पर कवच पाया जाता है और इसलिए इनके अंडे धूप में नहीं सूखते, जबकि एम्फीबियन के अंडों पर शेल ना होने की वजह से उनके अंडे धूप में सूख जाते थे। अब इनका भी कोई नमूना हमारे पास नहीं है, हम केवल इनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट को देखते हैं, जैसे टर्टल, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल। ये उन्हीं रेप्टाइल के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं के प्रोजेनी हैं जिनका विकास एम्फीबियन से हुआ था। अगले करीब 200 मिलियन साल तक या उससे भी ज्यादा, यानी 20 करोड़ साल तक अलग अलग साइज के रेप्टाइल ने इस धरती पर राज किया। यानी 20 करोड़ साल तक इस धरती पर रेप्टाइल का राज रहा और इस समय को मीसोजोइक ईरा के नाम से जाना जाता है। अब उसी समय बहुत विशाल फर्न पाए जाते थे जो कि टेरिडोफाइट के मेंबर हैं, ये प्रेजेंट थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ धरती पर जिसकी वजह से सारे टेरिडोफाइट गिर गए और मिट्टी के अंदर दब गए और इन्हीं से धीरे धीरे कोल डिपॉजिट हुआ। यानी आज जो कोयला हम निकालते हैं, ये करोड़ों साल पहले जो फर्न मिट्टी में दब गए थे, इन्हीं से हम धीरे धीरे जो कोयला बना उसी को आज हम ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। अब कुछ लैंड रेप्टाइल उस समय ऐसे थे जो पानी में वापस रहने के लिए गए और इवॉल्व हुए फिश लाइक रेप्टाइल में करीब 200 मिलियन ईयर एगो, यानी 20 करोड़ साल पहले। तो बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, इक्थियोसॉर्स एक फिश लाइक रेप्टाइल का एग्जांपल है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लैंड रेप्टाइल के बारे में, तो उस समय जो लैंड रेप्टाइल थे उन्हें डायनासोरस का नाम दिया गया और सबसे बड़ा जो डायनासोर था उसे टायरानोसोरस रेक्स कहा गया। ये बेटा मिंटी में कल मैंने कराया भी था क्वेश्चन आपको, है ना, तो आज हम फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो टायरानोसोरस रेक्स सबसे बड़ा डायनासोर था, इसकी हाइट 20 फीट थी, आपको याद करनी है। इसमें बहुत ही विशाल डरावने डैगर लाइक आरी की तरह के दांत पाए जाते थे करीब 65 मिलियन ईयर एगो। यानी आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले जो डायनासोर्स थे ये अचानक धरती से खत्म हो गए। इसके बारे में सही कारण कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से मारे गए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर डायनासोर बर्ड में इवॉल्व हो गए, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि सही बात दोनों के बीच में हो सकती है। मतलब कुछ डायनासोर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मारे गए और कुछ डायनासोर ऐसे थे जो कि बर्ड में इवॉल्व हो गए, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल और बर्ड दोनों के फीचर पाए जाते हैं। और उस समय के जो स्मॉल साइज के रेप्टाइल थे उस ईरा के, मीसोजोइक ईरा के, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्नेक की बात करें, ये छोटे साइज के हैं लेकिन आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेप्टाइल से ही मैमल का विकास हुआ और जो सबसे पहले मैमल थे वो सिरियूस यानी छछूंदर की तरह छोटे साइज के हुआ करते थे और इसलिए उनके फॉसिल भी स्मॉल साइज के हमें मिले हैं। बेटा मैमल्स की बात करें तो आप जानते हैं कि मैमल वीवी पैरस नेचर के होते हैं और ये अपने बच्चे को अपनी बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, मदर अपने बच्चे को अपनी बॉडी के अंदर सुरक्षित करती है। मैमल ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये खतरे को आसानी से भांप सकते हैं और उससे अपना बचाव करने में भी माहिर है। जब रेप्टाइल इस धरती पर कम हुए तो मैमल ने इस धरती पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और आज तक मैमल का इस धरती पर राज है। उस समय की अगर हम बात करें बेटा, तो साउथ अमेरिकन मैमल, जैसे साउथ अमेरिका में जो मैमल उस समय थे वो आजकल के हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर और रैबिट की तरह रहा करते होंगे।
अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया, और इन दोनों के जुड़ने की वजह से जो साउथ अमेरिका के मैमल थे उन्होंने साउथ अमेरिका के मैमल को नॉर्थ अमेरिकन के मैमल ने पूरी तरीके से कुचल दिया, या आप कह सकते हैं नष्ट कर दिया। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और हुआ जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बाकी महाद्वीपों से अलग हो गया, और इसीलिए पाउस्ड मैमल जिन्हें मार्शूपियल कहा जाता है, पाउस्ड मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। तो दो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया, और दूसरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया बाकी महाद्वीपों से अलग हो गया। अब बेटा एनसीईआरटी यहाँ पर क्या कहता है कि कहीं हम ये ना भूल जाएं कि कुछ मैमल पूरी तरीके से पानी में रहते हैं। बेटा आज ही मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, वेल, डॉल्फिन, सील और सी काऊ की बात करें तो ये कुछ ऐसे मैमल हैं बेटा जो पूरी तरीके से पानी के अंदर रहते हैं। अगर हम हॉर्स, एलिफेंट, डॉग की बात करें तो इनकी अपनी अपनी विशेष कहानियां हैं विकास की, लेकिन सबसे जो सक्सेसफुल स्टोरी है इवोल्यूशन ऑफ मैन की है, यानी हमारे विकास की कहानी सबसे शानदार है, और हमने लैंग्वेज स्किल, हमने भाषाएं यहाँ पर पता लगाई, हमने हमें भाषाओं का ज्ञान है, और आप जानते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की प्रॉपर्टी केवल ह्यूमन में है। बेटा देखिए कॉन्शियसनेस नाम की प्रॉपर्टी सभी ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम की प्रॉपर्टी केवल ह्यूमन में पाई जाती है। बेटा प्लांट और एनिमल का जो इवोल्यूशन हुआ उसके फिगर आपको दिए गए, और फिगर पढ़ने का तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि कैसे फिगर को आप पढ़ेंगे। चलिए पहले प्लांट को देखते हैं और फिर एनिमल के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा यहाँ पर प्लांट के इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्लोरोफाइट एंसेस्टर दिया गया है। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से देखिए बेटा एक ब्रांच यहाँ पर निकल गई जिससे फॉर्मेशन हुआ ब्रायोफाइट का, ठीक है, यहाँ से ब्रायोफाइट का विकास हुआ, और दूसरा ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर का फॉर्मेशन हुआ। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर का जो इवोल्यूशन किससे हुआ, तो आप कहोगे क्लोरोफाइट एंसेस्टर से, या कहा जाए ब्रायोफाइट का इवोल्यूशन किससे हुआ, तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर से। अब देखिए ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर से जोस्टेरोफिलम बने, और जोस्टेरोफिलम से आगे चल के लाइकोपोड का फॉर्मेशन यानी लाइकोपोडियम का फॉर्मेशन हुआ, और दूसरा जो ब्रांच है उससे राइनिया टाइप के प्लांट बने। राइनिया टाइप के प्लांट से साइलोफाइटॉन का विकास हुआ, और साइलोफाइटॉन से देखिए यहाँ पर कई ब्रांचेस निकली जैसे स्पिनोपसिट का फॉर्मेशन हुआ, साइलोफाइटॉन से फर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिंगोस का फॉर्मेशन हुआ, कोनिफर का फॉर्मेशन हुआ, नीटेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इसके अलावा प्रोजिम्नोस्पर्म बने। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीड फर्न बने, सीड फर्न से साइकेड यानी साइकस का विकास हुआ, और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म का पहले डाइकॉट और फिर मोनोकॉट का विकास हुआ। तो इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। उसे पूछा गया डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ साइकेड, तो साइकेड का डायरेक्ट एंसेस्टर एक स्टेप आप पीछे जाकर आंसर करोगे सीड फर्न। आपसे पूछा जाए फर्न का डायरेक्ट एंसेस्टर, तो एक स्टेप पीछे जाके आंसर करोगे साइलोफाइटॉन। आपसे पूछा जाए कि राइनिया टाइप के प्लांट का डायरेक्ट एंसेस्टर, तो आप क्या बताओगे ट्रेकियोफाइट एंसेस्टर। इस तरह से बेटा आप इसके क्वेश्चन करोगे। अब आते हैं एनिमल, एनिमल की बेटा आप बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली रेप्टाइल जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। अब अर्ली रेप्टाइल से बेटा आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए बेटा अर्ली रेप्टाइल जो कि एक्सटिंक्ट हो गए इनसे दो ब्रांच बनी, एक साइनेप्सिड और दूसरी सॉरोप्सिड। अब जो साइनेप्सिड नाम की ब्रांच है इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए इससे यहाँ पर थेरैप्सिड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर यहाँ से आगे चल के मैमल का विकास हो गया। तो यानी साइनेप्सिड से सीधे मैमल का विकास हो, जो सॉरोप्सिड बचा बेटा इस सॉरोप्सिड को ध्यान से देखिए इससे फॉर्मेशन किसका हुआ, टर्टल का, लिजर्ड का, इसी से स्नेक का फॉर्मेशन, तुवातारा, क्रोकोडाइल, और दूसरी तरफ इससे बर्ड का विकास हुआ। तो ये बेटा यहाँ पर जितने एग्जाम्पल ये सब रेप्टाइल हैं और ये बर्ड हैं। तो रेप्टाइल और बर्ड का विकास किससे हुआ, सॉरोप्सिड से, और मैमल का विकास किससे हुआ, साइनोप्सिड से इनका विकास हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बेटा सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अपने बारे में, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं 15 माया।
15 माया का मतलब यह हुआ कि आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले कुछ प्राइमेट जिन्हें ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस के नाम से जाना जाता वो एग्जिस्ट करते थे 15 मिलियन ईयर एगो। ये हेरी थे, मतलब इनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल पाए जाते थे और ये वॉक करते थे गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह। अब रामापिथेकस की बात करें तो ये मोर मैन लाइक था और ड्रायोपिथेकस की बात करें तो ये इसके ज्यादातर फीचर एप की तरह के हुआ करते थे। अब कुछ फॉसिल बेटा हमें मिले इथोपिया और तंजानिया से, और ये जो फॉसिल हैं इनमें मैन की तरह की हमारी तरह की बोन पाई जाती थी इन फॉसिल में, और इनसे ये पता चला कि होमिनिड फीचर की तरह के ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन 3 से 4 मिलियन साल पहले, 3 से 4 मिलियन साल पहले का मतलब ये हुआ बेटा कि आप ये कह सकते हैं कि 30 से 40 लाख साल पहले मैन लाइक प्राइमेट वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका। 30 से 40 लाख साल पहले हमारी तरह के जो प्राइमेट हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका में रहा करते थे। इनकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये हमारी तरह अपराइट चलते थे, जैसे हम लोग अपने 2 लिम का यूज़ करके चलते हैं। अब 2 मिलियन साल पहले की बात करें, यानी आज से करीब 20 लाख साल पहले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के हमारे पूर्वज रहा करते थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में, और जो फॉसिल हमें मिले उनसे ये पता चलता है कि ये शिकार करते थे स्टोन वेपन के द्वारा, यानी पत्थरों के हथियार का यूज करते थे, लेकिन ये मुख्य रूप से फल खाते थे, यानी ये हर्बीओरस नेचर के थे, ये कार्नियोरस नहीं थे। अब सम ऑफ द बोन अमंग द बोन डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो होमो हैबिलिस है, दैट इज फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड, ये लाइन ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग द होमिनिड, तो आप बताएंगे होमो हैबिलिस, और इसका ब्रेन साइज था 650 से 800 सीसी। ये खूब क्वेश्चन आपके नीट में इस समय पूछा जा रहा है। ये भी शायद मीट नहीं खाते थे, ये भी शायद मीट नहीं खाते थे। अब आते हैं जावा। जावा में कुछ फॉसिल डिस्कवर किए गए 1891 में, जिससे हमें अगली स्टेज के बारे में पता चला, होमो इरेक्टस के बारे में, जो कि 1.5 मिलियन ईयर एगो या 15 लाख साल पहले इस धरती पर रहा करते थे, और होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज 900 सीसी था, यानी होमो हैबिलिस की तुलना में इसका ब्रेन साइज ज्यादा था। और बेटा ब्रेन साइज के जो क्वेश्चन है आपके नीट में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको पढ़ते समय आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब जो होमो इरेक्टस है बेटा, शायद ये मीट खाता था, इसके पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जो होमो हैबिलिस था वो शायद मीट नहीं खाते थे। अब जो होमो इरेक्टस है, इससे नियंडरथल मैन का विकास हुआ और इसका ब्रेन साइज और बढ़ गया 1400 सीसी, और ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करते थे आज से 1 लाख साल से 40,000 साल पहले। ये जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे अपनी बॉडी को सुरक्षित करने के लिए, और इनके परिजनों की जब डेथ होती थी तो उन्हें दफनाते थे। बरियल कस्टम की शुरुआत नियंडरथल के द्वारा की गई। अब होमो सेपियंस की बात करें तो इनकी ओरिजिन अफ्रीका में मानी जाती है, और यहाँ से मूव करके ये दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरे महाद्वीपों में पहुंचे और अलग अलग तरह की रेसेस में डेवलप हो गए। आइस एज की बात करें बेटा, 75,000 से 10,000 साल पहले आइस एज में मॉडर्न होमो सेपियंस की ओरिजिन हुई। जो केव आर्ट है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, गुफाओं में जो चित्रकारी हो, करीब 18,000 साल पहले क्रोमैग्नन के द्वारा की गई, और इनमें से एक क्यो पेंटिंग के बारे में यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको बताया, ये नई लाइन ऐड की गई है। क्यो पेंटिंग का एग्जाम्पल है भीम बेटका रॉक सेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये नई लाइन अगर आपकी एनसीईआरटी 2 साल से ज्यादा पुरानी तो उसमें लाइन नहीं होगी। तो भीम बेटका रॉक सेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जो क्यों पेंटिंग है वो 18,000 साल पुरानी है। एग्रीकल्चर की, खेती की शुरुआत आज से करीब 10,000 साल पहले हुई, और फिर ह्यूमन सेटलमेंट की शुरुआत हो गई, यानी मनुष्य ने कॉलोनी बना के एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको दिया गया है, ये आपको एडल्ट ह्यूमन दिखाया गया, ये बेबी चिंपैंजी दिखाया गया, और ये एडल्ट चिंपैंजी दिखाया गया। अब इनके स्कल आपको दिखाए गए हैं, ये स्कल है एडल्ट ह्यूमन का,
ये स्कल है बेबी चिंपैंजी का और ये स्कल है यहाँ पर एडल्ट चिंपैंजी का। अब बेटा आप देखिए बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है आप खुद मैच करिए, यहाँ पर बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है इसको कंपेयर करिए एडल्ट ह्यूमन से और एडल्ट चिंपैंजी से, किससे समानता शो कर रहा है आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है ये एडल्ट चिंपैंजी की तुलना में एडल्ट ह्यूमन से ज्यादा रिजेंबलेंस शो कर रहा है। तो बस इस लाइन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, यही लाइन में इंडिकेट कर देता हूं, द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। तो बेटा ये इवोल्यूशन का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया चैप्टर यहां पर। बेटा कल से हम प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे जिसमें पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बेटा अगर आप हमारे क्लासरूम वीडियो लेक्चर को लेना चाहते हैं जिसमें आप डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं तो उसकी कॉस्ट एक्चुअली 25,000 है, लेकिन आपको नीट 2020 के लिए केवल 3,000 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3,000 में आपको सभी क्लासरूम वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे पूरे 10 यूनिट और 38 चैप्टर के, और अगर आप एक यूनिट के लेक्चर चाहते हैं तो केवल 500 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं। इनके द्वारा अपनी नीट की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बेटा चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, हम मिलते हैं मिंटी में 1 बजे और फिर 5 बजे लाइव सेशन में, और इसी टॉपिक के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं। बेस्ट ऑफ लक बेटा।